बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एंड कुकिंग क्राफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत जो ड्रेसेस हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग है बच्चियों के लिए 8 से 15 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके लिए, आप किसी भी एज के बच्चों के लिए आप ये फ्रॉक के जो डिज़ाइन है बना सकते हैं, वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारे और सिंपल सादा से हैं लेकिन पहनने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। चले जी, सबसे पहला जो ड्रेस है हमारा ओपन फ्रॉक है, ठीक है जी। ओपन फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा इन है आजकल। ये देखिए जी, हमने क्या किया है, सेंटर में हमने इसको ओपन रखा है, चुनट वाला फ्रॉक है, इस पर पाइपिंग की है। पाइपिंग करने के बाद इसका गला यानी कि नेक लाइन कुछ इस तरीके से हमने बनाई है। नेक लाइन पे भी सिंपल हमने पाइपिंग की है और सा छोटा सा कट रखा है, ठीक है जी। ये देखें, अच्छा जी, ये जो बटन है ये खुद ही मैंने घर पे रेडी किया, टसल भी खुद ही घर पे बनाया है। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी जेंट्स बटन हो सिंपल सादा किसी भी कलर का, आपने उसके ऊपर जिस कलर का बनाना है उसी फैब्रिक को लेके इसके ऊपर रैप कर लेना। मैंने आर्गेंजा को डबल करके, ठीक है जी, डबल करके इसके ऊपर रैप किया। और ये मेरे पास बटन नहीं था तो मैंने जो मिरर था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने उसी के ऊपर रैप करके इसका एक बटन रेडी कर लिया। साथ मैंने 2 कलर्स में थ्रेड लेके इसकी टसल्स बनाई हैं, वो भी खुद ही बनाई हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान, आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट पर भी हमने छोटा सा कट रखा है इसका, ये देखिए इस तरीके से। और इस फ्रॉक के दामन पे हमने क्या किया है, हमने ट्रायंगल बनाकर लगाए हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये जो आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है ये वाला, मैं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया है, मैं आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी, जिसका ट्रायंगल बनाया। और जो सेंटर में ब्लू लगाया है ये हमने जो ऑर्गेंजा हमारे पास बची हुई थी हमने उसके बनाकर एक सेंटर में ऑर्गेंजा और साइडों पर जो दूसरे कलर के हैं वो हमने 3-3 ट्रायंगल स्पेस देकर पूरे दामन पर लगा दिए हैं। देखिए जी, नेक लाइन भी कितनी खूबसूरत है, पहनने भी बहुत ही प्यारी लगती है। बोट नेक लाइन बनाई है हमने इसकी। अब हम आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स इसके हमने चुनट वाले बनाए, वो किस तरीके से बनाए, किस तरह हमने ये चुनट डाली है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हमने बारीक वाला जो लास्टिक है वो लगाया है, 3 लेयर्स में मैंने लगाया। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पहनने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। चले जी, आपको मैं याद करवाती रहूं, आपको एक बात याद होनी चाहिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो घंटी बनी हुई नज़र आ रही है उसको प्रेस कर लें ताकि खाने से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा, सिंपल और ब्लू ट्राउज़र है इसके साथ और साथ ही क्रैश वाला दुपट्टा। ये दुपट्टा मैंने खुद ही घर में रेडी किया है। ये फैब्रिक मैं बताती हूँ आपको कौन सा है, ये है अटल, जो हम लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं फैब्रिक, ये वो वाले अटल है, ठीक है जी। 120 की मैंने 2 मीटर अटल लेके इसे खुद ही घर में क्रैश डाले हैं और ये लिया हुआ बहुत ही कैरी किया हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है और बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये कुर्ता, कुर्ते की भी मैं बताती हूँ इस कुर्ते को मैंने किस तरीके से बनाया है। ये पीसीज में मेरे पास कपड़ा था, ठीक है जी, पीसीज में कपड़े थे, अलग अलग से इसके बॉर्डर थे, उन सबको अटैच करके मैंने किस तरीके से इस कुर्ते को रेडी किया मैं बताती हूँ। देखिए, एक ये पीस था मेरे पास फुल एम्ब्रॉयडरी वाला, ये मैं फ्रंट पर ले आई हूँ। और ये देखिए जी, ये एक बॉर्डर था मेरे पास, इसको मैंने फ्रंट पे ले आई हूँ और साथ मैंने ज्वाइंट लेस लगा के सेम उसके साथ इसको अटैच कर दिया है। ये देखिए जी, आप चाहें तो आप ऑपोजिट कलर की भी ज्वाइंट लेस ले सकते हैं लेकिन मैंने सेम लिया, उससे बहुत ही प्यारा लगता है। अब हम आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स मैंने किस तरह बनाई है इसकी, ये देखें, एक बॉर्डर ये नीचे जो कटवर्क वाला ये था और ऊपर जो था वो एम्ब्रॉयडरी, जो मैंने फ्रंट पे जो मैंने इसका बनाया है ना उसमें से कुछ कपड़ा बचा था वो मैंने ऐसे सेंटर में वो ले आई हूँ, लास्ट में जो बैक वाला कपड़ा था ना वो था। इन तीनों चीज़ों को मैंने आपस में जोड़ के इसकी स्लीव्स रेडी की और नीचे ये देखिए इस तरह कटवर्क बना था एम्ब्रॉयडरी का, उसको मैंने कटवर्क बना दिया, ठीक है। बैक पर ये देखिए कुछ इस तरीके से है और इसका जो बॉर्डर है वो इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया। एक बॉर्डर ये था, ये मैं बैक पर ले आई हूँ, ठीक है जी। और बैक पे भी हमने ज्वाइंट लेस लगाकर इसको बॉर्डर को अटैच कर दिया है। और साथ सिंपल सा इसके साथ ट्राउज़र है, ये भी पीस ही था मेरे पास। ये देखिए जी, हमने क्या किया है, इसका जो सिंपल एक फ्लावर वाली एम्ब्रॉयडरी थी उसका हमने ट्राउज़र बनाकर रेडी कर लिया है। अच्छा जी, थर्ड और लास्ट जो है ये भी एक कुर्ता है, इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है। ये देखिए जी, इस तरीके से सिंपल सा हमने इसको रेडी किया है। नेक लाइन को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइडों पर हमने लेस को अटैच करने के बाद जो इसके सेंटर में आपको ब्लू कपड़ा नज़र आ रहा है वो ऑर्गेंजा है, ठीक है जी। डबल मैंने इसको करके ऑर्गेंजा लगाई है और उसके ऊपर मैंने लेस को अटैच कर दिया। साथ ऊपर मैंने सिंपल साइज का गला बनाया है, ठीक है जी, बोट में मैंने इसका गला बनाया है। और साथ जो इसकी स्लीव्स है वो पफ स्लीव्स जो होती है उस टाइप की मैंने बनाई है। कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने जो प्लेट्स हैं मेरे कम पड़े हैं, अगर आपके पास ज़्यादा तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है जी। और
आगे मैंने क्या किया है, जो कफ होता है वो बना के लगा दिया है, और छोटी सिंपल सी जो पट्टी है ऑर्गेन्जा की, और उसके ऊपर मैंने एक लेस को अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से इसकी स्लीव्स बन के रेडी होती है, और पहनी हुई बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और दामन भी हमने क्या किया, दामन पर हमने जो है ऑर्गेन्जा है उसके ऊपर बारीक से तीन तीन प्लेट्स डाल दी हैं स्पेस देकर, और उसके ऊपर लेस लगा कर दामन पर हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया। अच्छा जी, इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र है, ठीक है जी। लास्ट में पांच पे हमने क्या किया, फ्लावर वाली जो ज्वाइंट लेस है वो अटैच की है, साथ सिंपल सी सादा नीचे एक लेस लगा के इस ट्राउज़र को रेडी किया है, जो इस कुर्ते के साथ पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये जो फ्रॉक और कुर्ता है इसके साथ दोनों के साथ ब्लू और वाइट दोनों ट्राउज़र चल जाएंगे, और साथ दुपट्टा भी दोनों के साथ ही यानी कि लिया जा सकेगा, ठीक है जी। ये देखिए मैं बताती हूँ इसकी असल कहानी क्या है। ये था टू पीस, ठीक है जी, टू पीस था। ये जो बंटीज वाला ये था कुर्ता और वो ट्राउज़र था, लेकिन ये दोनों पेयर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों को इस तरीके से रेडी कर लिया। इस तरह ये दो सूट आपके बन के रेडी हो जाएंगे, ये देखिए, और पहनने भी प्यारे लगेंगे। ये देखिए जी, ये जो कपड़ा जो पाइपिंग वाला है उसी फैब्रिक में से बचा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिया। साथ ये जो ऑर्गेन्जा है वो भी उसी वाले कुर्ते में से बचा हुआ था, और साथ जो ट्राइंगल मैंने लगाए थे, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी, वो भी उसी फैब्रिक में से बचे हुए थे, ठीक है जी। इस तरीके से हमने दो जो सूट है बना के रेडी कर लिए हैं, दुपट्टे और ट्राउजर दोनों के साथ चल जाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसे टू पीस ना पसंद आए तो आप इससे अलग अलग बना सकते हैं। आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वंस अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।